उज्जैन के पूर्व उप महापौर प्रेम नारायण यादव की स्मृति में उज्जैन के चरक चिकित्सालय में महिलाओं को कंबल और बच्चों को ऊनी वस्त्र वितरित किए गए। हर वर्ष की तरह भी इस वर्ष भी उप महापौर की स्मृति में श्रद्धांजलि दी गई। शाम को स्मृति में सुंदरकांड का भी आयोजन किया गया। उज्जैन में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूर्व उप महापौर प्रेम नारायण यादव की स्मृति में सुबह चरक अस्पताल में उप महापौर की स्मृति में प्रसूताओं को सैकड़ों की संख्या में कंबल बांटे गए। वहीं छोटे बच्चों को ऊनी वस्त्र वितरित किए गए। सुबह चरक अस्पताल में चेतन प्रेम नारायण यादव ने वस्त्र वितरण के बाद स्वर्गीय प्रेम नारायण की स्मृति में शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर बटुक शंकर जोशी, विधायक महेश परमार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव चेतन यादव और कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ परिजन ने श्रद्धांजलि दी। पूर्व उप महापौर की स्मृति में शाम को सुंदरकांड का आयोजन भी किया गया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर बटुक शंकर जोशी ने उन्हें याद करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यालय से नगर निगम और सहकारिता में किए गए उनके काम उल्लेखनीय है। उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट। पूर्व महापौर जब उज्जैन नगर निगम के उनकी 21वीं पुण्यतिथि थी, इस अवसर पर चरक अस्पताल में कम्बल और बच्चों को एक एक ऊनी सूट चिल्ड्रन वार्ड में वितरित किया गया। साथ ही साथ फिर वहाँ एक शोक सभा आयोजित की, जिसमें सत्यनारायण जी पंवार, जिसमें अजीत सिंह, श्री महेश परमार जी विधायक और परिवार के सारे लोग, भाई चेतन और सब लोग उपस्थित थे। वहाँ शोक सभा आयोजित की गई, पांजलि अर्पित की गई और आज संध्या में उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर सुंदरकांड का पाठ कराया गया। अब प्रेमनारायण जी यादव के मामले में तो शहर सर्वविधि थे कि कांग्रेस भवन से लेके नगर निगम तक और सहकारिता के क्षेत्र में उन्होंने जिस तरह के काम किए वे बड़े ही उल्लेखनीय हैं।